Hi everyone, welcome back to my channel for those who know me and for those who do not know me. My name is Vriti, this is my world, this is my channel, this is my space. Drum roll. How are you guys? For the new ones, my name is Vriti. I create content on fashion, food, travel, lifestyle, market vlogs. And for the old ones, thank you so much for again clicking on this video. First of all, I'm really sorry. आपको पीछे ना भौंकने की आवाज आ रही होगी. ऊपर ब्रूनो भौंक रहा है, यहाँ पे मफिन भौंक रहा है. तो there's a lot of barking in the house और दोनों चुप ही नहीं हो रहे. And I really wanted to sit down and make this video. So basically, in this video, I'm covering 10 basic major things that are must-haves in everyone's house, especially in winters. और आप अगर दिल्ली से हो, नॉर्थ से हो, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, आपके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है. So let's directly dive into the video. Let's go. Okay, number one. When we talk about winters, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? Dry skin. एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो ये आता है. एंड आई एम अ ड्राई स्किन गर्ल, आई एम थार डेजर्ट. तो मेरे लिए हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इन विंटर्स आई लव लोशन ऑन माई बॉडी. एंड दीज डेज एक्चुअली काफी टाइम से, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बोला है, दिस इज वन मॉइस्चराइजर आई वॉज अप्लाइंग इन समर्स एंड आई एम अप्लाइंग इट इन विंटर्स. दिस इज बाय डॉक्टर शील. आई थिंक ये मेरी फोर्थ या फिफ्थ बॉटल है. मैं और मम्मी दोनों ये यूज कर रहे हैं. आई किड यू नॉट, दिस इज अमेजिंग. वन, इट हाइड्रेट्स. टू, इट इज नॉट स्टिकी एट ऑल. थ्री, इट अब्सॉर्ब्स इन योर स्किन. फोर्थ, इट एक्चुअली फील्स लाइक वॉटर. एंड मेरी बॉडी पे जितनी डिस्कलरेशन थी, दिस बेबी आउट हियर इज हेल्पिंग मी अलॉट टू गेट रिड ऑफ दैट डिस्कलरेशन. सो दिस इज माई फर्स्ट मस्ट हैव. नंबर टू, सर्दियां हो, गर्मियां हो, बारिश हो, मानसून हो, एनी सीजन, I love a good sunscreen. And मैं इस प्रोडक्ट को नहीं ऐसे प्रमोट कर रही, बट आई थिंक ये मेरी फिफ्थ या सिक्स्थ बॉटल है. मैंने छोटी ली है, बड़ी ली है, मोटी ली है, ये वाली ली है. मैं और मम्मी दोनों लगा रहे हैं एंड ये अभी भी आई थिंक खत्म हो चुकी है. आई नीड टू गेट अ रीफिल. आई हैव ऑलरेडी अ रीफिल. मेरे पास एक स्टिक भी पड़ी हुई है. तो बेसिकली अ सनस्क्रीन इज अ मस्ट हैव, स्पेशली इन विंटर्स, क्योंकि हमें जब ना धूप नहीं मिलती तो जैसे ही धूप निकलती है हम सामने जाके बैठ जाते हैं, बिकॉज वी नीड दैट हीट. और विंटर की धूप इट्स वेरी वेरी हार्श एंड इट कैन एक्चुअली डैमेज योर स्किन. सो सेकेंड थिंग, सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस, अ सनस्क्रीन. द थर्ड मस्ट हैव फॉर मी इन विंटर्स इज, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मेरी पूरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है एंड इट गोज सिमिलरली फॉर माय हेयर. मेरे हेयर और ज्यादा ड्राई हो जाते हैं क्योंकि मैं इतनी ज्यादा, एक तो ब्लो ड्राइंग पहले करती थी, अभी भी करती हूँ, ठीक है, मैं हीट लगाती हूँ, बहुत सारी चीजें करती हूँ. सो आई एम गोइंग टू गिव यू टू. आई डोंट नो अभी ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. ये है द बॉडी शॉप का कंडीशनर शैम्पू. दिस इज फॉर ड्राई एंड फ्रिज प्रोन हेयर. ये बनाना वाला है गाइज. ये इतना 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 अच्छा है, मुझे नहीं पता इसके बारे में आज तक किसी ने बात करी है कि नहीं करी है. इसको लगाने के बाद मेरे बाल ऐसे लगते हैं मक्खन. एंड दिस एक्चुअली स्मेल्स लाइक बनाना. ओ माय गॉड, दिस इज सो नाइस फॉर योर हेयर. सो दिस इज ऑप्शन नंबर वन. दिस लिटिल बैड बॉय, this is magic in a bottle. This is L'Oreal Professional Paris ka Metal DX in Expert series. This is ek to ye smell itna acha karta hai and a little goes a long way. aur isne mere baalon ko na tame karne mein बहुत ज्यादा मदद करी है. दिस इज माय सेवियर. आई मीन जब मुझे कोई कुछ नहीं समझ में आता ना, जब मेरे को लगता है कि नथिंग इज वर्किंग ऑन माय हेयर, आई गो बैक टू दिस एंड दिस ऑलवेज वर्क्स. सो दिस इज माय हेयर मास्क. धूप चली गई है, इट वाज लिटरली ऑन माय फेस, नाउ इट्स गॉन एनी विच वेज. फोर्थ प्रोडक्ट गाइज, यू कैन नॉट लिव विदाउट हाइड्रेटिंग योर लिप्स. और मैंने पता है बहुत लोगों को देखा है, उनके ना ऐसे फ्लेकी से हो जाते हैं, कुछ हो जाता है. मैं ये नहीं कह रही वैसलीन लगाओ, मैं कह रही हूँ कोई भी लिप बाम, लिप ऑयल, वट एवर वर्क्स फॉर यू, हाइड्रेशन इज द की फॉर योर लिप्स. और मेरे लिए हमेशा वैसलीन काम
आती ही आती है. मेरे पास बहुत सारी और भी लिप ग्लॉसेस हैं एंड लिप बाम्स भी पहले थी, बट देन आई डोंट नो, आई ऑलवेज फॉल बैक टू दिस. मे बी आई हैव अ लॉट ऑफ स्टॉक ऑफ वैसलीन, तो मैं इस पे चली जाती हूँ एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस. ये और मैं एक और आपको बात बताती हूँ, मैं वैसलीन सिर्फ लिप्स पे नहीं लगाती, आई अप्लाई वैसलीन अंडर माई आईज, I apply a Vaseline on my forehead, mid of the forehead. I apply a Vaseline जब मेरे को कुछ नहीं करना होता ना, तो मैंने Vaseline लेके पूरे हाथ पे उसको ना अच्छे से melt करके मैंने अपने face पे भी बहुत बारी लगाई है and Vaseline has never disappointed me. I love Vaseline. Also, one more tip. Vaseline is really really nice. अगर आप थोड़ा सा लो उसको ऐसे ऐसे करके heat up करो and you put it on your eyelashes. It's amazing. So this is the fourth thing. Now, winters हैं and fashion game हम अपना strong नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता. You want to wear skirts, you want to wear dresses, whatever you want to wear. This इसके बारे में ना हम लोगों ने बहुत सुना है and trust me, मैं ये पूरा season और शायद इससे भी पहले एक बार एक season पहले मैंने अपना इनमें निकाला है and I have worn anything and I was warm. So my next product is, these are stockings, जो लगती हैं legs, because it has fur inside. It is so warm, I wear my skirts and I have this. I'll pop a picture on the screen, आप देख लो. और जब मैं skirt नहीं भी पहनती, अगर मैं jeans भी पहन रही हूँ ना, तो सबसे पहले मैं ये पहनती हूँ, फिर मैं कुछ भी ऊपर पहन लेती हूँ and I'm not lying, ये इतनी warm है, it keeps me. A lot of you know and people who don't know, I have a condition called fibromyalgia, जिसमें मेरे legs में ना मुझे बहुत pain होता है कभी कभी and winters में ये pain बहुत ज्यादा बढ़ गया है. So a person like me who has a lot of pain, ये मेरा पूरा का पूरा leg with my hips, it covers it all and it is high waist. तो मतलब I am fully sorted. This is a must have, मैं कहूंगी कुछ भी लो, एनी पीस ऑफ क्लोथिंग लो ना लो, इन्वेस्ट इन अ गुड फर स्टॉकिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैंने ये भी देखा है बहुत सारे स्टॉकिंग्स ना बिक रही हैं बाहर, उनकी ना क्वालिटी अच्छी नहीं है. आई एम गोइंग टू लिंक दिस वन स्पेसिफिकली डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, हर चीज का वो लिंक होगा, वहां पे चेक कर सकते हो इफ यू वांट टू बाय. बट दिस इज गाइज अ मस्ट हैव. आपने स्टाइल के लिए लेना है आप लो, आपने वॉर्म के लिए लेना है आप लो, आपने किसी को गिफ्ट करना है आप लो, एंड Not only for young girls, it is also for women, elderly women. मतलब दादी हो गई, मम्मी हो गई, कोई भी हो गया, उन्होंने सूट भी पहना है, आप सूट के नीचे भी ये पहन सकते हो और पता भी नहीं चलता है, and you stay so warm. So for my next product, I want to specifically tell, ये उन लोगों के लिए ज्यादातर है जो बाहर रहते हैं, काम पे जाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, बाइक्स चलाते हैं, और फॉर दैट मैटर इवन ड्राइविंग भी करते हैं. बिकॉज मेरे को नहीं पता आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, एटलीस्ट मेरे केस में और मैं अपने आसपास वाले जितने लोगों को जानती हूँ उनके केस में ये होता है, उनको ना अपने कानों से ठंड चढ़ती है. तो अगर आपने मफलर या स्कार्फ नहीं लेना, ठीक है, यू कैन ऑलवेज गो इन विद एन ईयर कवर. मतलब इट लुक्स स्टाइलिश, इट लुक्स वेरी क्यूट, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं एंड इट कीप्स योर ईयर्स वार्म. वो ठंडी हवा जाने से ये प्रोटेक्ट करता है. एंड अगर आपने ये नहीं लेना, ऐसे वाले भी आते हैं बैंड्स जो कि हेयर बैंड की तरह जाते हैं एंड इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं. इफ अ बॉय वांट्स टू बाय, ही कैन बाय इट इन ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर. इफ गर्ल्स वांट टू बाय तो एन नंबर ऑफ कलर्स हैं. टू प्रोटेक्ट योर ईयर्स, यू कैन either go in for ear cuffs like this, ठीक है, or if you want to get into something मतलब more decent and classy and nice, या फिर आपको सिर्फ plain सा कुछ पहनना है तो आप ऐसे type के भी ले सकते हो. and honestly यार ये ना बहुत 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 जरूरी है, स्पेशली जो लोग ड्राइव करते हैं, बाइक पे राइड करते हैं, स्कूटी राइड करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उन लोगों के लिए. एंड दिस इज नॉट इवन एक्सपेंसिव, तो आप ये भी देख सकते हो. फॉर माय नेक्स्ट प्रोडक्ट, आपका मुझे पता नहीं लेकिन ये मेरा बहुत बड़ा मस्ट हैव है, बिकॉज आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वार्म वाटर, ठीक है. तो केटल आपके पास हो या ना हो, आप गैस पे गर्म कर सकते हो, लेकिन इफ यू आर सिटिंग अपने बेड पे बैठे हुए हो और आपको रात को गर्म पानी चाहिए, आपको हॉट चॉकलेट चाहिए, गर्म दूध चाहिए, यू डेफिनेटली नीड अ थर्मस. थर्मस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सर्दियों में
टू कीप योर लिक्विड्स वॉर्म एंड आपको बार बार उठने की ना दिक्कत नहीं होती. तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं रोज रात को जब मैं नहा के निकलती हूँ, बिफोर आई गेट इनटू माय बेड, मैं इसको पूरा फुल कर लेती हूँ गर्म पानी से. एंड देन मैं कुछ टी बैग सैशेज, आई लाइक कैमोमिल टी, ग्रीन टी, बहुत सारी टीज है मेरे पास, मैं कुछ कुछ ना सैशेज अपने पास रख लेती हूँ एंड आई कीप अ मग विद मी. मेरे को जो जब पीनी होती है मैं पानी डालती हूँ, डिप 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 करती हूँ और मैं पी लेती हूँ. उस केस में मुझे उठना नहीं पड़ता, ठीक है. रात को यू डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ योर बेड यार एंड यू वांट टू ड्रिंक समथिंग हॉट. मम्मी इसमें कभी कभी तो दूध भी भर लेती हैं, मम्मी के पास खैर अपनी है एंड मॉम कीप्स सिपिंग द होल डे. मम्मी गर्म पानी भर लेती है एंड ये तो खैर बड़ी वाली है, छोटी वाली भी आती है विच इज वेरी पोर्टेबल. इट विल जस्ट बी इन योर हैंड एंड यू कैन कैरी इट वेयर एवर यू गो. तो अ थर्मस इन विंटर्स इज वेरी वेरी असेंशियल, नॉट ओनली फॉर पीपल लाइक अस बट फॉर एल्डरली पीपल एज वेल. आपके घर में कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, दादू है, नानू है, दादी माँ है, नानी माँ है, यू नो, इनफैक्ट आपकी मदर है, आपको उनको देना है. किसी की भी तबीयत खराब है या कुछ भी है, यू वुडंट वॉन्ट योर पर्सन टू गेट अप अगेन एंड अगेन. जस्ट one thermos and you are sorted for a lot of season. Invest in a good thermos and that will last you I think easily for 5 years. Moving on. Okay, my next product is for ladies, gentlemen, dada, dadi, mama, mami. किसी के घर में शादी हो रही है, किसी ने पार्टी में जाना है, किसी ने सत्संग में जाना है, किसी ने कहीं पे भी जाना है, you definitely, definitely, definitely need turtleneck का full sleeves किया top. I kid you not, मैंने ये वाला top skirt के साथ, jeans के साथ, trouser के साथ, suit के साथ और basically हर चीज के साथ स्टाइल किया है. एक, इट लुक्स सो शीक, सो नाइस. दूसरा, बिकॉज ये ऊन का है, इट कीप्स मी वॉर्म थ्रू आउट व्हेन आई एम वेयरिंग इट. तीसरा, इट लुक्स वेरी स्टाइलिश, वेरी वेरी स्टाइलिश. चौथा, इट गोज विद एवरीथिंग. आपने सूट पहना है ना, आप उसके अंदर अगर आपने थर्मल नहीं पहनना, अगर आपको यहाँ पे कुछ पुश थोड़ा सा दिखाना है और अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप ये पहन लो. जीन्स के साथ कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप ये पहन लो, इसके ऊपर स्वेटर डालो, स्वेटर के ऊपर ब्लेजर डालो, यूर सॉर्टेड. नहीं भी डालना क्योंकि ये वॉर्म है, इसके ऊपर एक बड़ा सा जैकेट डालो, ट्रेंच कोट डालो एंड यूर सॉर्टेड, ठीक है. सो दिस इज अ मस्ट हैव स्पेशली इन every girl's wardrobe. I mean, you can style this in so many ways. And if you want that I should give you a tutorial or I should make a video of how to wear turtleneck in so many different ways, मेरे को comment करके बताना. turtleneck को कैसे style करना मैं आपको वो भी बता दूंगी. So turtleneck is a must have. इसमें बहुत सारे colors भी आते हैं, आप colors भी ले सकते हो. कहाँ पे है? Amazon पे आपको मिलेगा, और नायका पे भी शायद आपको मिलेगा, अर्बानिक पे आपको मिलेगा, H&M पे मिलेगा, ज़ारा पे मिलेगा, हर जगह आपको टर्टल नेक वॉर्म वाला ज़रूर मिलेगा. आपके जो भी बजट में है आप वो ले लो. मैं बाकी के सारे लिंक्स नीचे डाल दूंगी, वट एवर यू लाइक, बट कीप वन टर्टल नेक फुल स्लीव्स का इन योर वार्डरोब. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नाउ ओके, सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके लिए आपको पहले ना डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है. मैं बता देती हूँ क्यों. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज विटामिन D3 कैप्सूल्स. हम लोग इंडियंस में D3 की कमी इतनी ज़्यादा पाई गई है कि हम लोग ना धूप में नहीं बैठते, हमारी बॉडी में D3 लेवल्स इतने कम होते हैं, उसकी वजह से हमारे को बोन्स में पेन होता है, हमारी मसल्स में पेन होता है एंड बहुत सारे और सिम्टम्स आते हैं अगर आपका D3 लेवल कम हो. तो मेरे को मेरे डॉक्टर ने एक पत्ता प्रिस्क्राइब किया हुआ है D3 का, वो ख़त्म हो गया लास्ट, मम्मी ने जब दिया था. आई हैव टू गो एंड बाय अ न्यू वन. मैं काफ़ी टाइम से D3 ले रही हूँ क्योंकि मेरा D3 लेवल बहुत कम था. विंटर्स में स्पेशली लोगों की बॉडी में, वीमेन की बॉडी में D3 लेवल और भी कम हो जाता है. सो गेट योर सेल्फ टेस्टेड एंड इफ योर D3 लेवल इज लो टू टेक D3 सप्लीमेंट्स. तो D3 की गोलियां आती हैं, D3 के सैशेज आते हैं एंड आई थिंक D3 का शॉट भी आता है, इंजेक्शन भी आता है. तो जो भी आपको आपका डॉक्टर बोलते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं टू टेक, बिकॉज ये लॉन्ग रन में आपको बहुत हेल्प करता है. ऐसा नहीं है कि आप एक बार ही लोगे और आप कहोगे यार मैंने तो
मैं तो गोली खा रही हूँ, कुछ नहीं हुआ, मैंने तो 2 गोली खा ली 4 गोली खा ली. यू हैव टू बी रेगुलर व्हेन इट कम्स टू D3. आपकी बॉडी फंक्शन करने में आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी जोड़ों में और मजबूती आती है. D3 इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं वैसे भी कह रही हूँ ये विंटर एसेंशियल्स में डालने की जरूरत नहीं है, विंटर्स में हमारा D3 लेवल और ज्यादा कम हो जाता है क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं हमें मिलती. लेकिन फिर भी D3 एक वो चीज है, आपको अपना रेगुलर चेक जरूर रखना चाहिए. एंड इफ योर D3 लेवल इज लो, आस्क योर डॉक्टर विच वन ही विल प्रिस्क्राइब यू, डू टेक अ सप्लीमेंट फॉर D3. सो मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ माय विंटर मस्ट हैव, व्हिच आई एम टेलिंग यू कि शायद आपके भी वो काम आ जाए, इज ओके लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है विंटर्स में तो खासकर क्योंकि हम विंटर्स में भूल जाते हैं, एंड दैट इज पानी. वाटर इज सो इंपॉर्टेंट. मैं उन लोगों में से हूँ जिसका पूरा दिन निकल जाता है क्योंकि मुझे प्यास नहीं लगती तो मैं पानी ही नहीं पीती. एंड रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया है मैं जिस दो चार दिन के पैच में अच्छे से पानी पीती हूँ, इमिजिएटली मेरी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाती है और मेरी स्किन हाइड्रेटेड और प्लम्प लगती है. और जब मैं नहीं पीती तो ये हालत है, एक्ने निकलते हैं, यही होता है. एंड मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर इफेक्ट्स योर हेयर ग्रोथ ऑल्सो. जी हाँ, आपके हेयर के फॉलिकल्स के लिए, आपके हेयर ग्रोथ के लिए, आपके हेयर नरिशमेंट के लिए, आपकी स्कैल्प के लिए, वाटर बेसिकली हर चीज के लिए इट इज सो 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 इम्पॉर्टेंट. एंड स्पेशली वन वी टॉक अबाउट विंटर्स जहाँ पे मेरे जैसे स्टूपिड लोग भूल ही जाते हैं क्योंकि हमें प्यास ही नहीं लगती. सो मॉम हैज टू रिमाइंड मी पानी पी ले, पानी पी ले, पानी पी ले. और मैं आपको दिखाती हूँ, आई किड यू नॉट, आपको लगेगा कि मैं ऐसे कर रही हूँ. मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा बेड है, वहाँ पे कॉर्नर में ना एक मैंने बच्चों वाली स्कूल बॉटल रखी हुई है. आई थिंक मैंने किसी वीडियो में पहले भी बताया था, मैंने ना वाटर बॉटल रखी हुई है स्ट्रॉ वाली. तो मैं क्या करती हूँ, मैं रात को बैठती हूँ ना, अगर तो मेरे को ग्रीन टी नहीं पीनी, कुछ नहीं पीना, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो मैं बॉटल लेती हूँ अपने हाथ में, ऐसे खोल के ना बैठ के कुछ देखने लग जाती हूँ और सिप 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 करके ना पीती रहती हूँ. और मैं आपको ये नहीं कह रही आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करो कोई बहुत तगड़ी बड़ी बॉटल में, सिपर बहुत हेल्प करता है पानी पीने में हम जैसे लेजी बच्चों के लिए. और जिनको ना ऐसी अपनी मर्जी से पीना होता ना तो उनके मैं तो गले में टांग लेती हूँ, यार मेरे को तो कोई शर्म नहीं है. क्यों, मैंने आई रियलाइज्ड अभी कुछ दिन पहले कि मैंने 2 दिन से पानी ही नहीं पिया. एंड ट्रस्ट मी, उससे ज़्यादा ख़राब चीज़ कुछ नहीं है. आप अपनी बॉडी में कितने सप्लीमेंट्स डाल लो, आप योगा कर लो, आप कुछ भी कर लो, अगर आप पानी नहीं पी रहे, आपका 80% बॉडी कभी ठीक नहीं हो सकती. 20% शायद ठीक हो जाए, बट हमारी बॉडी, आर बॉडी नीड्स वाटर, वी नीड अ लॉट ऑफ वाटर. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मेरे को नीचे जरूर बताना व्हाट आर योर विंटर एसेंशियल्स. ऑनेस्टली इसमें और सारी चीज़ें भी ऐड हो सकती थी. नहीं, ये बेसिक 10 चीज़ें बताई हैं कि मैं क्या करती हूँ और क्या एक्चुअली ज़रूरी है. अगर आपको इसका Part 2 चाहिए तो मुझे बताना, मैं इसका Part 2 भी दे दूंगी. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड गाइज, आई एम डूइंग अ गिव अवे ऑफ 12,000 विथ 3 more क्रिएटर्स. सो अगर आपको इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, जस्ट गो टू माई Instagram हैंडल, आपको वहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. वील बी अनाउंसिंग द विनर आई थिंक ऑन द 26th or 27th of Jan. सारी डिटेल्स वहाँ पे हैं. एंड आई होप टू सी यू ऑन माई Instagram एज वेल. एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. और अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ें जो आप जानना चाहते हो, मैं क्या करूँ, मैं किस पे वीडियो बनाऊँ, मैं बेसिकली एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट टू टेल मी, टॉक टू मी और आस्क मी, और यू नो यू वॉन्ट मी टू फिल्म अ वीडियो ऑन, प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो. आई वुड लव टू रीड ऑल योर कॉमेंट्स एंड रिप्लाई टू यू. यू टेक केयर, बाय बाय. आई वुड सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. सत श्री अकाल.